ओके एंड इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया देन लेट मी नो। यहाँ से फिर आई थिंक ट्रेन लेनी पड़ेगी। मीटिंग का इन्होंने एक ऑटोमेटिक रोबोट टाइप का ले रखा है, तो भूख भी लगी है, तो थोड़ा सा वहाँ बैठ के अपना कुछ खाते हैं पीते हैं और बीरी हैप्पी न्यू ईयर पापा इज कमिंग यू आर द मैन ऑफ द हाउस नाउ। और इन्होंने पहन रखी अबीर की जैकेट, यार दिस जैकेट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मिस्टर सिंह इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं, आप लोगों को पूरा अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या चल रहा है, तो आगे आने वाले व्लॉग्स होने वाले बहुत इंटरेस्टिंग। ओके पापा इज गोइंग हैप्पी न्यू ईयर ओके एंड इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया देन लेट मी नो। चलो फोन करके बता देना फिर। ओके ओके डू यू नीड नो। सो गाइस ये सवारी इंडिया जाने के लिए निकल पड़ी है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 ऐसा न्यू ईयर टाइम। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कुलदीप क्या हेल्प चाहिए? कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या हो गया अबीर? ये अभी अभी उठा है ना इसलिए ऐसा है। पर जा रहे हैं, एक्साइटमेंट देखो इंडिया जाने की। चलो पापा को बाय कह के आएंगे। ओके इसके बाद आप नीनू कर लेना, ठीक है ना? आप जल्दी उठ गए ना आज, है ना? इसके नीनू कर लेना। बीरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बेबी। तो सबसे ज्यादा इमोशनल तो कुलदीप अबीर ही हो रहा है। Right? All right. Wait. Let me get it down. Now. Yay, Abir. What does this mean? Tomorrow, you go to school. Yay, Abir. Wait, tomorrow is your pajama day. इस पजामा दे? अच्छा बता दिया तुमने, तुम तो फ्लाइट में होते ही पजामा ना पहन के जा पड़ता था। And then, this week and papa comes here on 15th. Okay, Abir. Now you, Abir, you are the man of the house. Papa is coming. You are the man of the house now. इसे man बनने का भी शौक है. Abir, you are the papa now. You have to give foodie to mama. You have to give foodie to Aryan. And you have to take care of Aryan and me both. Take care of mama and you have to take care of Aryan. Okay. चलो ओके जी, हैप्पी न्यू ईयर। चलो मिलते हैं फिर जल्दी। अब तुम जाओ, अभी रुलाओ मत। हाँ मिस्टर सिंह शेयर करेंगे, हमारी व्लॉगिंग में हेल्प करने वाले हैं और शेयर करेंगे अपने इंडिया की जर्नी आगे आने वाले कुछ व्लॉग्स में। तो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, विल बी मोर फन। बाय, अभी से बाय। सो दोस्तों एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वैसे तो मुझे पहले एक वीडियो बनानी थी तो टेल यू गाइस कि निकल चुके हैं हम लोग हार्टफोर्ड से, JFK की तरफ जा रहे हैं, बट मौका नहीं लगा बनाने का, तो अब बना रहा हूँ JFK एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। 3 लोग हम यहाँ पे आए, 2 मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एक्सेल के कलीग्स कम फ्रेंड्स। JFK पहुंच गए हैं एंड उन लोगों को मैंने पहले उतार दिया बिकॉज सामान हमारे पास इतना सारा था। से फिर आई थिंक ट्रेन लेनी पड़ेगी, 2 स्टॉप आगे जाना है, तो इतने सारे सामान के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता। दोस्तों चेक इन वेक इन सब हो चुका है, सिक्योरिटी हो चुकी है, एवरीथिंग वाज क्विक। TSA प्री करके एक प्रोग्राम है यहाँ पर US में, वंस यू एनरोल्ड फॉर दैट तो आपको जूते जैकेट कुछ भी बैग से कुछ सामान कुछ नहीं निकालना होता, बस बिंदास अपना बैग रखो और अपना निकल लो। तो वो है मेरे पास यहाँ पे बिकॉज़ मैं ट्रैवल काफ़ी करता हूँ, तो उसके चलते फिर एकदम फटाक फटाक हो गया। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो टू द लाउंज एंड रिलैक्स अ लिटिल। सुबह 6:30 के निकले हुए हैं और 5 के उठे हुए हैं, तो भूख भी लगी है, तो थोड़ा सा वहाँ बैठ के अपना कुछ खाते हैं पीते हैं और बाकी फिर आपको अपनी जर्नी का बताते हैं कि 15 घंटे कौन सी स्पेस में हम बिताने वाले हैं।
ही बड़ी अमेजिंग चीज लगी यार ये, ऐसे ये फॉलो करता रहता है। वेटिंग का इन्होंने एक ऑटोमेटिक रोबोट टाइप का ले रखा है। दिस इज प्रीटी नाइस यार, आई लव इट, वाओ। Yeah, it's a pretty nifty thing to have at home, yeah. Hai na? A beer? You want my help? My bhai hamara gaadi nikal raha hai, back kar raha hai. Aur back karna to iski mummy ne itna time nikala tha, to ye to khair janta hai agar bahut acche se, mere se to bahut acha hai seekhne mein. Jitna jo mera learning graph tha uska to learning graph ekdam upar jata hai. Actually na dono gaadiyan ekdam sati hui khadi hain. Abhi do you need my help? अबीर की, अबीर तो बहुत अच्छा सीख रहा है। जब मैंने गाड़ी ड्राइव करनी सीखी थी ना, मैंने ये ना कम से कम 3 महीने ले लिया था ड्राइविंग सीखने में। ड्राइव करना तो फिर भी इजी था, जो ये होता है ना बैक करना और साइड में पार्क करना, इंडिया की बात कर रही हूँ, बैक इन इंडिया। लेकिन हाँ, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, स्पेशली मैनुअल कार पे सीखना। अभी तो सबके अभी तो ऑटोमेटिक आ गई है, मैनुअल इज वेरी डिफिकल्ट इन कंपेरिजन टू जो अब ऑटोमेटिक कार आ गई। अब तो सब खैर ऑटोमेटिक ही ड्राइव करते हैं, बट कहते हैं ना जो मैनुअल पे चला लेता है उसके बाद उसे ड्राइविंग का इन एंड आउट पता चल जाता है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है मैनुअल पे सीख के, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो देखो कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपना थोड़ा सा स्पीड ब्रेक बस यही खेल खेलना। बट हमारे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, इनको कोई दिक्कत आ गई। हाँ जी बोलिए, क्या क्या बात है? यू हंग्री? घर से बाहर निकले नहीं, 2 कदम चलते ही ये तो हंग्री हो गए। इनका स्नैक बॉक्स हम लेकर आए थे, हमें पता था अपने बच्चों का। जाओ जाके अपना स्नैक बॉक्स लेकर आओ, गो गेट योर स्नैक बॉक्स। अभी आप अपनी कार में बैठ जाओ, आराम से एंजॉय कर लो अपनी कुकी, और मैंने आपका स्नैक बॉक्स यहाँ पे रख दिया, बाकी चीजें इसके अंदर है, ठीक है? लेनी हो तो ठीक है, बट डोंट ड्राइव व्हेन यू आर ईटिंग, ओके? मेक श्योर। और इनकी पता नहीं अपनी सॉक्स से क्या दिक्कतें हैं, ये अपनी सॉक्स। हाँ जी हाँ जी, okay, it was your mistake, don't do that again in blue car, okay? इन्होंने पहन रखी है अबीर की जैकेट। यार दिस जैकेट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ये अबीर की फर्स्ट जैकेट है, फर्स्ट एवर जैकेट, और ये मैंने खरीदी थी मदर केयर इंडिया से, somehow मैं यहाँ ले आई थी। अभी आर्यन को थोड़ा ओवर साइज है और इसके हाथ कवर हो जाते हैं, एंड ही रिमेन्स कोजी। ठंड इतनी है नहीं, मैंने बताया 4-5 डिग्री है, 4-5 डिग्री आई नो साउंड करता है कि अभी, अगर आप रास्ते में आ रहे हो ना पहले मेरे बता दो कि मैं आ रहा हूँ, ताकि मैं आर्यन के स्ट्रोलर को साइड कर दूँ, ऐसा ना हो कि कार हिट कर जाए इसकी स्ट्रोलर को, है ना? मुझे लगा बच्चे बोर हो रहे हैं, क्योंकि अभी की छुट्टी थी आज, कि इन्हें बाहर ले आती हूँ, तो बस यार यही सब चल रहा है। और आजकल इन्हें बहुत चस्की भी चढ़े हुए अपनी गाड़ी चलाने का। ओ व्हाट वाज दैट स्टंट गाइस, डिड यू सी हमारा? Yes, मेरे हीरो, मेरे हीरो, तू ही तो है। तो गाइज यहाँ का ये है अपडेट, अभी हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, फिर अंदर चलेंगे, लंच करेंगे, और फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। यू गाइज स्टे ट्यून, और तब तक लाइक सब्सक्राइब एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो ये है अपनी राइड फॉर टुडे, इसमें बैठेंगे अंदर।